और भी काफ़ी मिट्टी जमी है, उसके साथ ये खींच के भी आप ले जा सकते हो। फिर से चाहिए तो फिर से ऐसे खींच के उसको यूज़ कर सकते हो। तो करेंगे ये देखो, फोम भी काफ़ी मस्त बन रहा है इसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों आज हमारे पास है स्टार क्यू का ST2400 यू प्रेशर वॉशर। तो ये जो प्रेशर वॉशर है ये बाकी प्रेशर वॉशर से बहुत अलग है। तो ये प्रेशर वॉशर है, इस प्रेशर वॉशर में क्या खास है और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, इसके साथ क्या क्या मिलता है और ये कैसे परफॉर्म करता है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं इसके साथ क्या क्या मिलता है। तो ये कुछ वारंटी कार्ड और इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है और कुछ अटैचमेंट होते हैं इसमें। ये देखो दो स्क्रू मिलते हैं, तो इसका भी यूज़ मैं बताऊँगा आपको। और ये गन क्लीनिंग के लिए एक पिन मिलती है। तो इसके बाद ये हाई प्रेशर होस मिलता है नायलॉन वाला, 8 मीटर इसकी लेंथ है। तो मैंने देखा मेजर करके 8 मीटर बराबर है, ठीक है। इसके बाद ये इनलेट होस मिलता है, तो इनलेट होस की भी क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। हेवी ड्यूटी इनलेट होस मिलता है आपको, उसके साथ ही फिल्टर अटैच है। आप बाल्टी में चाहे तो बाल्टी में पानी डाल के, मतलब बाल्टी में पानी रख के वो सक करके यूज़ कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आपके पास टैप है तो उसको भी आप अटैच करके ये यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही साथ ये गन मिलती है, तो कुछ इस तरह की गन है। तो गन में ये ट्रिगर लॉक भी है, ठीक है। इसके साथ ही गन के साथ आपको एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट मिलती है, ठीक है। इसके बाद ये फिल्टर मिलता है और फिल्टर के साथ ही ये अटैचमेंट भी है, ठीक है। और ये एक शैम्पू डिस्पेंसर मिलता है और ये सब अटैचमेंट है। ये एक रील है, यही एक खास बात है इसमें। तो ये रील भी आपको इसमें अटैच करना होता है और इसमें स्क्रू लगते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। और ये एक इसमें फोम कैनन है, तो फोम कैनन है इसका, ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो ले सकते हो और विदाउट फोम कैनन के भी आप इसको परचेस कर सकते हो। तो मैंने फोम कैनन के साथ परचेस किया है। तो ये आप मेन मोटर देखोगे तो कुछ इस तरह इसकी मेन मोटर दिखती है और इसमें व्हील भी है, तो ये कैरी करने के लिए काफ़ी आसान होता है। और इसकी में जो पावर कॉर्ड मिलती है वो काफ़ी लंबी मिलती है, 5 मीटर इसकी लेंथ है पावर कॉर्ड की, ये मिलती है आपको इसके साथ। और इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह देखोगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और इसमें जो मोटर है उसका जो वाइंडिंग है वो 100% कॉपर वाइंडिंग है और 1 ईयर की वारंटी भी आपको इसके साथ मिल जाती है। तो इसकी प्राइस देखना चाहते हो तो प्राइस क्या इसकी कम ज़्यादा होती रहती है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उस लिंक पर जाके इसकी प्राइस है और बाकी स्पेसिफिकेशन वगैरह आप देख सकते हो। तो ये देखो ये कुछ इस तरह दिखता है और इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह देखोगे ना तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और ये स्विच देखो, स्विच का जो ऑपरेशन है वो भी काफ़ी एकदम मतलब स्मूथ और एकदम प्रीमियम लग रहा है। देखो ये कुछ इस तरह इसका लुक आता है। इधर इसका हाई प्रेशर होस लगता है, पीछे की साइड में इसका इनटेक होस या फिर जो इनटेक कनेक्शन है पाइप है उसका होस और फिल्टर वगैरह इधर लग जाता है। इसमें एक खास चीज़ जो मिलती है ये है इसके साथ मिलने वाली रील। तो ये रील इसको खास बनाती है काफ़ी। तो ये कुछ इस तरह इसके साथ अटैच हो जाती है, तो बॉक्स में आपको ये मतलब अलग से मिलती है, अटैच करके इसके जो मतलब साइज़ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसके लिए कंपनी वो अलग से आपको प्रोवाइड करती है बॉक्स में ही, ताकि बॉक्स की साइज़ काफ़ी लंबी ना हो। और स्क्रू देती है आपको फिट करने के लिए, ये देखो ये दो स्क्रू इधर लग जाते हैं, तो ये आपको लगाने पड़ते हैं। ये देखो तो ये स्क्रू दोनों है, ये आपको इस तरह टाइट कर देने तो आपके मोटर के साथ ये जो रील है वो कनेक्ट हो जाती है। और ये जो अटैचमेंट दिखाई वो इस साइड में इस तरह बैठ जाती है गन वगैरह रखने के लिए, तो इसके काफ़ी हेल्प होती है। ये देखो ये इस तरह अटैचमेंट बैठ जाती है। तो अभी हमारे जो मोटर है एकदम प्रॉपर रेडी है और कुछ इस तरह इसका लुक आता है। ये रील है, इसका भी यूज़ दिखाऊँगा मैं। तो रील है ये काफ़ी यूज़फुल है। तो आपने देखा होगा बहुत से प्रेशर वॉशर आते हैं तो वो मतलब संभाल के रखना या फिर कैरी करना बहुत से मुश्किल होता है, उसका जो हाई प्रेशर पाइप वगैरह आता है ना वो आपको मतलब ऐसे वाइंड करके रखना पड़ता है, तो वो मतलब काफ़ी मतलब टाइम जाता है उसमें और काफ़ी मतलब ऐसा बोरिंग सा काम है। तो वो काम इसमें एकदम ईजी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पूरी जो अटैचमेंट है वो इसको अटैच कर लेता हूँ मैं। ये देखो ये इनलेट का पाइप है और फिल्टर वगैरह है, ये मैंने इधर अटैच कर दिया, ठीक है। और आगे मैंने जो हाई प्रेशर होस है वो अटैच कर दिया और एक साइड है हाई प्रेशर होस की वो गन को अटैच कर दी। तो हमारा जो प्रेशर वॉशर है वो एकदम रेडी हो गया है। अभी हम हमारी जो ओला है
ये इसे अभी वॉश करके देखने वाले हैं। अभी देखो बाल्टी में पानी ले लिया और उसमें फिल्टर के साथ पाइप डाल दिया, ठीक है। अभी ये जो गन है इसका जो आगे का भाग है वो मैं निकाल देता हूँ, जो नोज़ल है वो, और अभी ये ट्रिगर दबा के मैं मोटर चालू करता हूँ। उससे क्या है जो भी लाइन में एयर वगैरह है वो पूरी चल जाएगी। पानी जैसे आ जाए बंद कर देना है। ये देखो जैसे एयर चली गई मैंने ये गन का आगे का जो नोज़ल वगैरह है वो इसमें लगा दिया, ठीक है। तो अभी इसका मैं प्रेशर टेस्ट करूँगा। ये देखो आगे देखो आप, ये देखो प्रेशर इसका काफ़ी अच्छा है। ये देखो एकदम मस्त प्रेशर मिलता है इसके साथ। तो अभी हमारी जो ओला स्कूटर है वो काफ़ी गंदी हो गई है, तो ये वॉश करके देखेंगे हम। पहले आपको मैं एक्सप्लोर पे मार के देखा था, ये देखो इसका प्रेशर, ये देखो फ्लोर देखो कितना मस्त एकदम क्लीन हो रहा है। ये देखो पूरी मिट्टी वगैरह पूरी चली जा रही है इसके प्रेशर से। ये देखो ये देखो ये देखो काफ़ी मिट्टी वगैरह है, तो उसे पानी मारूंगा ना तो ये मिट्टी देखो एकदम प्रॉपरली चली जा रही है। ये देखो पूरी मिट्टी चली जा रही है सिर्फ प्रेशर से, जो भी दाग है वही सिर्फ। ये देखो ये मडगार्ड है सामने का, उस पर भी काफ़ी मिट्टी जमी है। ये सिर्फ पानी के प्रेशर से ही चली गई है। मैगवील पे भी देखो तो इस मैगवील पे देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह कीचड़ है पूरा। तो पानी से एकदम प्रॉपरली वॉश हो गया। तो इसके साथ कॉम्बो में जो परचेस की हुई पोम कैनन थी वो हमने इसमें लगा दी, अभी इसमें हम पोम मारेंगे। ये देखो पोम भी काफ़ी मस्त बन रहा है इसमें। ये देखो पोम देखो कितना मस्त और कितना गाढ़ा गाढ़ा बन रहा है। तो अभी माइक्रो फाइबर क्लॉथ है उससे पूरी जो स्कूटर है वो एकदम प्रॉपरली वाइप कर लूँगा मैं। ये देखो तो इससे एकदम प्रॉपरली चमक जाती है गाड़ी, जो भी डार्क वगैरह है पूरे चले जाते हैं। ये देखो तो वो एकदम प्रॉपरली जो सारी स्कूटर की बॉडी है माइक्रो फाइबर से, सबसे पहले जो ऊपर का पोर्शन है पेंट का पोर्शन है वो करना है, इसके बाद जो इसके व्हील है मैग व्हील वगैरह वो करने हैं, क्योंकि व्हील में वगैरह ज़्यादा गंदगी रहती है तो वो लास्ट में करना है। नहीं तो क्या कपड़े में पूरे छोटे छोटे पत्थर वगैरह रहते हैं वो अटक जाते हैं और पूरे हमारा जो पेंट है उस पर रब हो जाते हैं, स्क्रब हो जाते हैं, तो इससे प्रॉब्लम होती है, पेंट डल वगैरह पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले आप पेंट का जो पोर्शन है वो कवर करके ले लो और उसके बाद ही जो ज़्यादा गंदगी वाले सरफेस है नीचे का सरफेस है मैग व्हील से वो करके ले लो। तो सेम प्रोसेस से मैं पूरी जो गाड़ी है वो वाइप करते रहो कर देता हूँ और उसके बाद हम इस पर फिर से पानी मारेंगे। तो अभी देखो पूरी स्कूटर एकदम प्रॉपरली माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप कर दी, तो अभी सिर्फ पानी मारना है बाकी कुछ नहीं। पानी क्यों मारना है क्योंकि जो भी लगा हुआ डिटर्जेंट है फोम है वो पूरी तरह चला जाना चाहिए। देखो ये इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ मारना है। ये देखो और ये पोर्शन देखो कितना मस्त हो गया है। स्कूटर तो वॉश होके हो गई एकदम प्रॉपरली, ठीक है। तो अभी ये जो रखना है वो बड़ी दिक्कत की बात होती है, ये पाइप वगैरह तो इस तरह प्रॉपरली आपको ऐसा वाइट करके रखना पड़ता है तो वो थोड़ा बोरिंग काम होता है। तो इसमें अभी टेंशन वाली बात नहीं है, देखो ये देख रहे हो इधर इस तरह पाइप रखना है, ठीक है, और ये इस तरह आपको घुमा के प्रॉपरली, ये देखो ये थोड़ा घुमा के ऐसे
रख देना। ये देखो, ये देखो, ये प्रॉपरली इसमें रहता है और आपको मतलब सारा सामान अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरा हो जाने पर इस तरह आपको ये लॉक करके रख देना है, तो ये इस तरह रहेगा, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं। और आपको फिर से चाहिए तो फिर से ऐसे खींच के उसको यूज़ कर सकते हो। तो पाइप की समस्या इसमें एकदम प्रॉपरली दूर हो गई है। इसके साथ ही साथ ये एक्सटेंशन है, ये यहाँ पर रह जाएगा। ये देखो, ये गन है, ये इस जगह रह जाएगी। और इसका इनलेट होस है, तो ये ऐसे मतलब वाइट करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा होता है। तो ये इस तरह वाइट करना है आपको, और ये यहाँ पे रह जाएगा। तो इस तरह पूरा जो पैकेज है आपका एकदम एक ही मतलब प्रेशर वॉशर के साथ ही रहेगा। अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं, अलग अलग संभालने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा आपको वो मतलब वाइंड करने की हाथ से ज़रूरत नहीं, एकदम प्रॉपर ही रहेगा। और इसको ऐसे उठा के आप ले जा सकते हो, ये व्हील भी है उसके साथ, ये खींच के भी आप ले जा सकते हो। तो अब क्या बच गया, ये हमारा शैम्पू डिस्पेंसर बच गया, वो सिर्फ आपको अलग से रखने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर यहाँ पे आप रख सकते हो। इधर कुछ दिया हुआ है, और फोम कैनन है हमारी, वो सिर्फ रह गई। फोम कैनन देखता हूँ इधर रहती है क्या, ये देखो, ये फोम कैनन भी इधर रहेगी। मतलब कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये भी रहेगा। तो ये आता है इस, लेकिन ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, फोम कैनन एकदम प्रॉपरली परफॉर्म करता है। ठीक है, ये भी रख सकते हो आपको चाहिए तो, कि नहीं इधर मुझे तो जगह नहीं दिख रही है प्रॉपरली, तो ऐसे ही रख सकते हो। ये एक छोटी सी चीज़ रखने में इतना कुछ मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इस तरह एकदम प्रॉपरली जो सारी चीज़ें ये प्रेशर वॉशर के साथ रह जाती है। और इसका वेट भी मतलब ज़्यादा नहीं है, एकदम प्रॉपरली एक हाथ से उठा सकते हो आप और कहीं भी लेके जा सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इसमें, ये देखो। तो अभी हमारी जो स्कूटर है एकदम प्रॉपरली वॉश हो गई है, देख सकते हो आप। पहले आपने देखा था कितना जो मैगविल पे वगैरह कितनी ज़्यादा मिट्टी कीचड़ वगैरह जमा था, ये देखो, ये एकदम प्रॉपरली वॉश हो गई है। मतलब जैसे बाहर से दिख रही है वैसे अंदर से भी एकदम प्रॉपरली चमक रही है, प्रॉपरली वॉश हो गई है। ये देखो, ये नीचे वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी वगैरह फंस जाती है, यहाँ पे वगैरह मिट्टी बहुत ज़्यादा फंस जाती है। तो अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो अंदर एकदम प्रॉपर हो गई है, जो भी इधर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी वो सारी एकदम प्रॉपरली क्लीन हो गई है। तो ये जो प्रेशर वॉशर है, तो ये आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। तो इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज है, स्टोर करना भी इसको काफ़ी इजी है, और सारी चीज़ें है वो इसमें मतलब रखने के लिए जगह दे दी है, इसमें रील दे दी है, वो काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके आप इसके डिटेल्स देख सकते हो, आपको पसंद आया तो परचेस भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूँ।